हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो इंग्लिश की बुक है उसका हम लोग आज एक पोएम डस्ट ऑफ स्नो उसकी समरी जानेंगे। ठीक है, देखिए डस्ट ऑफ स्नो जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पोएम पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। ठीक है, ये थी पोएम। ठीक है, पोएम का मतलब क्या है तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू पोएम जो है कि एक कौवा है वो जो है यहाँ पे एक जो ट्री का यूज़ किया गया हेमलॉक ट्री। ठीक है, वो एक पॉइजनस ट्री होती है। ठीक है, जहरीली पेड़ है जिसमें कि वाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। ठीक है, तो उस पेड़ में क्या होता है कि बर्फ़ का टुकड़ा होता है और कौवा जो है या तो शायद वो पहले से उस पर बैठा हुआ था या फिर कहीं से वो उड़ करके अचानक आके उस पर बैठ जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर वो क्लियर नहीं है पोएम में। ठीक है, बट इन मतलब कि आने या फिर जाने के क्रम में जो भी हो तो उस समय में क्या होता है कि जैसे वो मतलब पेड़ को थोड़ा मतलब जो है पेड़ थोड़ा हिल जाता है उस कारण से, और उसमें जो बर्फ होता है वो क्या होता है कि पोएट के ऊपर गिर जाता है। नीचे पोएट बैठे होते हैं। ठीक है, और जब वो बर्फ़ क्या होता है उनके ऊपर गिरता है और बर्फ़ के गिरने की वजह से क्या होता है उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, और चेंज होता है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो समय उनका पछतावे में बर्बाद होने वाला था वो दिन का कुछ भाग जो है वो अब बच गया। ठीक है, किस वजह से, तो बर्फ के गिरने के वजह से। ठीक है, तो ये मेनली पोएम का हिंदी था। ठीक है, अब पोएम के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग पहले क्लियर करते हैं कि डस्ट का मतलब ऐसे तो धूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल नहीं है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पे क्या मतलब है तो देखिए, यहाँ बर्फ क्या हो रहा है कि पेड़ से जो है वो बर्फ गिर रहा होता है। ठीक है, तो अगर बर्फ गिरेगा तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ठीक है, और टूट करके जो मतलब पाउडर टाइप का जो भी मतलब चूर उसका जो होगा तो उसी को यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या शो करना चाह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे जो क्रो यूज़ किया गया है, जो हेमलॉक ट्री यूज़ किया गया है। ठीक है, तो क्रो जेनरली लोग अवॉइड करते हैं, उतना पसंद नहीं करते हैं क्रो को। ठीक है, और ब्लैक है तो ब्लैक कलर को भी बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत लोग तो ब्लैक कलर की ड्रेस भी अवॉइड करते हैं पहनना, बट पता नहीं क्या मतलब कि उनको उसमें बुरा नज़र आता है क्योंकि ब्लैक भी बाकी कलर्स की तरह कलर ही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। बट लोगों के मन में धारणाएँ हैं कि ब्लैक है सो नहीं पहनना है। ठीक है, तो उनके मन की ये धारणा हो जाती है। सो यहाँ पे देखिए, जो पोएट है यहाँ पे वो उन्हीं सारे सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट में ये पोएम लिख रहा है। ठीक है, कि जो मन में हम लोग धारणा बैठा, जैसे अब बिल्ली है वो रोड क्रॉस कर रही होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं अब कुछ गलत होना है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ठीक है, सो अब देखिए बिल्ली है उसको कहीं जाना है, वो जा रही है, तो इसमें अब गलत क्या है। बट नहीं, लोगों की ये मन की धारणा है, लोगों का ये सोच है, अपने वो लोगों ने अपने मन में अपनी सोच खुद डेवलप कर ली है। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट अगर किसी, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर किसी एक पर्सन के साथ कुछ गलत होता है तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार और हर इंसान के साथ ही गलत होगा। ठीक है, तो ये नहीं होता ऐसा। ठीक है, बट अगर किसी एक के साथ होता है तो हम उस पर अब धारणा जोड़ लें तो ये फिर गलत है। ठीक है, तो इन्हीं सारे चीज़ों के अगेंस्ट में पोएम पोएट ने यहाँ पर जो पोएम लिखा है उन्हीं सारे चीज़ों के अगेंस्ट में है। ठीक है, सो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रो हेमलॉक ट्री, यहाँ पे देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है पोएट का सैड मूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज अगर हम किसी हैप्पी मोमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग अच्छी चीज़ों का यूज़ करते हैं उसके लिए, मतलब हैप्पी मोमेंट्स के सिग्निफाई के लिए हम लोग जैसे कुछ अच्छे ट्रीज जैसे रोज़ या फिर कुछ अच्छे मतलब जिनसे कि मूड बिल्कुल मतलब खुश हो जाए। ठीक है, तो खुशनुमा चीज़ यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो क्रो और हेमलॉक ट्री यूज़ किया गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोएट का जो मूड है वो सैड है। ठीक है, वो पछतावा कर रहा है किसी बात का। ठीक है, रिग्रेट फील कर रहा है। सो यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री जिसे लोग अवॉइड करते हैं, जिससे लगता है लोगों को कि ये नेगेटिविटी की मतलब पहचान है, सो यहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं कि आज इन्हीं क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से यहाँ जो है पोएट का जो समय वो पछतावे में बिता रहे थे, बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे और समय को बिल्कुल बेकार बर्बाद कर रहे थे, वो उनका बच गया। किसकी वजह से, तो क्रो हेमलॉक ट्री की वजह से। ठीक है, क्योंकि बर्फ गिरा
और उनका मूड बिल्कुल चेंज हो गया, और जो वो नेगेटिव सोच रहे थे अब जो उनका बाकी बचा समय जो था वो अब उसको वो पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पे वो मेनली यही शो करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये मेनली जो हमारे सुपरस्टिशंस जो मन में धारणाएं होती है उनके अगेंस्ट में ये पोयम उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं है और हमेशा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, धारणा नहीं बनानी चाहिए कि किसी चीज के लिए एक बार गलत हो गया तो हमेशा उससे गलत ही होगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो ये थी आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम की समरी। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।